हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बताने वाले हैं कि जो हमारा सैमसंग फ़ोन है तो सैमसंग फ़ोन के सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में कीबोर्ड लैगिंग प्रॉब्लम है तो उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं सैमसंग फ़ोन में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे फ़ोन के आइकन्स हैं इस तरीके से हमारे फ़ोन में शो है, तो आपको स्वाइप कर देना है। स्वाइप करते ही हमारे फ़ोन के ऑल आइकन्स इस तरीके से हमारे फ़ोन में शो हो जाएंगे। इसमें जो हमारा आइकन आता है सेटिंग्स आइकन, तो हमें इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही हमारी फ़ोन की सेटिंग्स इस प्रकार से ओपन हो जाएगी। इसके ओपन हो चुके हैं। तो जो हमारे फ़ोन में कीबोर्ड लैगिंग प्रॉब्लम है इसको हम कैसे सॉल्व करें, तो आपको इसको क्लिक करना है। क्लिक करते ही हमारे पास से कुछ ऑप्शन आ जाता है, फिर आपको इसमें से क्लिक कर देना है इस ऑप्शन पर सैमसंग कीबोर्ड सेटिंग्स पर। तो क्लिक करते जो हमारी कीबोर्ड लैगिंग प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते जो भी सेटिंग्स होगी कीबोर्ड की, यहाँ से हम उसको रीसेट कर देंगे। रीसेट करते जो हमारे फ़ोन में कीबोर्ड लैगिंग प्रॉब्लम है हमारे फ़ोन में सॉल्व हो जाएगी। तो इस पर हमें फ़ोन की सेटिंग्स पर आकर कीबोर्ड लैगिंग प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं सैमसंग फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। और थैंक